राबड़ी सरकार में मंत्री रहे, आरजेडी के साथ नाता रहा, अब भाजपा में आने के बाद 6 साल में ही बने डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी अपनी एक कसम कहें या प्रण के लिए भी खूब चर्चा में हैं, जो उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर लिया था। क्या था वो प्रण, कौन है सम्राट चौधरी, आइए जानते हैं विस्तार से सब कुछ। आपको बता दें कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी अपने सिर पर पगड़ी बांधकर एक प्रण लिया था। बिहार के लोग पगड़ी को मुरौठा भी कहते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने विधानसभा के मुहाने पर यह ऐलान किया था कि वह जब तक नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी से हटाएंगे नहीं, तब तक अपनी पगड़ी नहीं खोलेंगे। अब जब वो नीतीश के साथ ही उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिए हैं, तो उनसे सवाल हो रहा है कि कसम और पगड़ी का क्या होगा। बिहार में नई सरकार को लेकर सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कही। राज्य भाजपा प्रमुख सम्राट चौधरी ने कहा कि भाजपा ने ऐतिहासिक काम किया, मुझे विधायक दल का नेता चुना जाना और सरकार का हिस्सा बनाना मेरे लिए एक भावनात्मक क्षण है। चौधरी ने कहा कि साल 2020 में जो जनादेश हमें बिहार के विकास और लालू यादव के आतंक को खत्म करने के लिए मिला था, जब भाजपा को नीतीश कुमार से ये सुनिश्चित करने का प्रस्ताव मिला कि बिहार में कोई जंगल राज न हो, तो हमने इसका समर्थन करने का फैसला किया। बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बना लिए हैं। भाजपा ने नीतीश को समर्थन देने का ऐलान किया था और बताया था कि उनके विधायक दल की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। इसके साथ ही विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। इससे साफ हो गया था कि नई सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा डिप्टी सीएम पद के लिए भी शपथ लेंगे, जो पूरी हो चुकी है। 16 नवंबर 1968 में जन्मे सम्राट चौधरी बिहार के नए डिप्टी सीएम बन गए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं, उन्हें बता दें कि सम्राट चौधरी शकुनी चौधरी के बेटे हैं। बिहार की राजनीति में शकुनी चौधरी बड़े नाम रहे हैं। समता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शकुनी चौधरी भी एक हैं। बिहार में कुशवाहा समाज के बड़े नेताओं में शकुनी चौधरी शुमार किए जाते हैं। अब सम्राट चौधरी अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। साल 1990 में सक्रिय राजनीति में उतरने वाले सम्राट चौधरी ने अपने करियर की शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल से की थी। साल 1999 में बिहार के राबड़ी सरकार में सम्राट चौधरी कृषि मंत्री भी रहे, लेकिन उनकी कम उम्र को लेकर विवाद हुआ और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। साल 2018 में सम्राट चौधरी ने राजद से नाता तोड़कर भाजपा की सदस्यता ली। भाजपा में आने के बाद से सम्राट चौधरी का राजनीतिक कद लगातार बढ़ता गया और पार्टी ने साल 2022 में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। सम्राट चौधरी बिहार भाजपा के दूसरे ऐसे अध्यक्ष रहे जो आरजेडी में रहकर आए हैं। इससे पहले भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी आरजेडी से ही भाजपा में आए थे। सम्राट चौधरी के तो माता पिता दोनों आरजेडी के साथ ही रहे। खुद सम्राट चौधरी राबड़ी मंत्रिमंडल में सबसे कम उम्र के मंत्री बने थे। उनकी उम्र सीमा को लेकर तब बवाल भी हुआ था। बिहार में यादवों के बाद अगर किसी का सबसे ज्यादा वोट बैंक है तो वो कुशवाहा है। ऐसे में सबकी नज़र कुशवाहा वोट बैंक पर टिकी है और भाजपा ने इसे ही साधकर लोकसभा चुनाव से पहले सम्राट चौधरी के रूप में बड़ा दांव खेला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।